हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्णेंदु और आप सभी का स्वागत है मेरे लव्स गार्डन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि मैं बोगनविला प्लांट के ऊपर एक मंथली एक केयर कर रहा हूँ। तो आज उसका फोर्थ पार्ट है, यानी चौथी वीडियो है। और बोगनविला प्लांट पर दिसंबर महीने में कैसे केयर किया जाता है उस बारे में आज हम बात करेंगे। और आप पिछले तीन वीडियो अगर नहीं देखा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ। आप प्लीज़ वो पिछले तीन वीडियो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। और मैं नवंबर महीने की जो केयर है उसका वीडियो मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगा, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले महीने में जिस फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल किए थे उसका रिजल्ट आप देख सकते हो, कितना अच्छा मेरे प्लांट पर फूल आ गया है। ये तो बस अभी खिले नहीं, बस छोटे छोटे बर्ड्स आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितने फूल खिले हैं। अगर एक बार खिल जाए तो प्लांट भर जाएगा। आप देख सकते हो ये सिर्फ कली है। फ्रेंड्स, इस महीने का केयर थोड़ा सा अलग है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, इस प्लांट को देखिए कितना अच्छा फूल खिला है, आप देख सकते हो अभी भी फूल निकल रही है। इसकी ब्रांच पर देख सकते हो कितना अच्छा फूल निकल रही है। आप देख सकते हो मेरे सभी प्लांट में एकदम बहुत बढ़िया ब्लूमिंग हुई है। और मैं इन सभी प्लांट में एक ही केयर करता हूँ जो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देखिए इस ब्रांच में कितना फूल आया है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप देखिए, ये वही प्लांट है जिस प्लांट में मैं वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। हालांकि मैं सभी प्लांट में एक ही केयर करता हूँ, लेकिन आपके सामने मैं इस प्लांट को लाया था। तो इस प्लांट में भी देख सकती हो कितना अच्छा बर्ड्स आया हुए है। फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में इस महीने में फ्लावर की बर्ड्स नहीं दिख रही है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पिछले महीने जो फर्टिलाइज़र डाले थे वो एक बार डाल दीजिए, तो 15 दिन बाद आपके प्लांट में फूल ज़रूर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, सभी प्लांट में एक साथ फूल नहीं आते हैं, कुछ प्लांट में पहले फूल आ जाते हैं और कुछ प्लांट में एक हफ्ते या 10 दिन बाद फूल आ जाते हैं। आप देख सकते हो मेरे कुछ प्लांट में पहले फूल आ चुका है और इधर देख सकते हो इधर भी आ चुका है, लेकिन ये सभी प्लांट में थोड़ा सा देर में आए हैं। लेकिन ये प्लांट की वैरायटी के अनुसार आते हैं, इस तो आप चिंता मत करिए, आपके प्लांट में फूल आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग बर्ड्स दिख रहा है तो उसका केयर अलग है, और आपके प्लांट में फ्लावरिंग बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो पिछले वीडियो में जो मैं फर्टिलाइज़र डाला था वो फर्टिलाइज़र एक बार आप डाल सकते हो। और अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग बर्ड्स दिख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ये जो फूल है, फूल आ रहे हैं, इस फूलों को कैसे इस प्लांट में टिकाएंगे, और अगर ये एक बार खिल जाए तो बहुत दिन कैसे रख सकते हो इस प्लांट में, उस बारे में आज हम बात करेंगे, ताकि ये फूल झड़ ना जाए और ये छोटे छोटे बर्ड्स है ये गिर ना जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि दिसंबर महीने में बोगनविला प्लांट पर कैसे केयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स,
दिसंबर महीने में बोगनविला प्लांट के ऊपर कैसे केयर करते उसे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जाके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दिसंबर महीने में अगर आपके प्लांट में छोटे छोटे फ्लावरिंग बड्स दिख रहा है तो इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्ट बनी रखिए, वरना ये छोटे छोटे फ्लावरिंग बड्स से ये गिर जाएंगे और आपका काम बेकार हो जाएगा। कितने दिनों से आप जो केयर किए हैं वो बेकार जाएगा। तो आप इसकी मिट्टी में मॉइस्ट बनी रखिए, इसकी मिट्टी एकदम सूखने मत दीजिए। इसकी मिट्टी सूखने से पहले आप इसकी मिट्टी में पानी डाल दीजिए, क्योंकि पानी की कमी की वजह से ये फ्लावरिंग बड्स ज़रूर गिर सकता है। तो आप इसकी मिट्टी में पानी मेंटेन करते रहिए। और फ्रेंड्स, दूसरा काम, अगर आपकी प्लांट में फ्लावरिंग बड्स दिख रहा है तो अभी आप इस प्लांट में इस महीने में कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस प्लांट में मत डालिए, वरना आपकी फ्लावरिंग बड्स गिर सकता है। आप कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र हो या ऑर्गेनिक, कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ पानी डालेंगे, ठीक है। तो आप कोई स्प्रे, कोई जड़ों में कोई फर्टिलाइज़र आप मत डालिए, सिर्फ पानी का मेंटेन करिए। और फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है कि आप इस प्लांट में कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल मत करिए। आप चाहे तो एक बार फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड आप प्लांट में यूज़ नहीं करेंगे, वरना आपकी फ्लावरिंग बड्स गिर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस महीने में, इस दिसंबर महीने में बोगनविला प्लांट पर ऊपर अगर आपकी प्लांट पे फूल खिल जाए तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट आती है आप देख सकती हो, इसे जो आइसक्रीम के चम्मच होते हैं इसकी एक चम्मच एक लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलकर प्लांट में आप प्लांट की मिट्टी में आप डाल सकते हो। ये एक बार आपको डालना होगा इस महीने में, यानी इस दिसंबर महीने में ये आपको एक बार डालना होगा। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना है कि ये जो बोरॉन आती है, तो आप देख सकते हो ये जो बोरॉन है B20, इसका आपको एक टीस्पून एक लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलकर इस प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है एक बार, ठीक है। या आप एक टीस्पून दे सकती हो या 1.5 ग्राम एक लीटर पानी में भी डाल के स्प्रे कर सकती हो एक बार। तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम सल्फेट को अगर जिस दिन करेंगे उसके 3 से 4 दिन बाद आप इस बोरॉन को स्प्रे ज़रूर करिए, तुरंत मत करिए, कम से कम 3 से 4 दिन का गैप रखिए, वरना आपकी फ्लावरिंग बड्स गिर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस बोरॉन के इस्तेमाल से आपकी प्लांट में जो फूल खिलेंगे ये फूल ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे, वरना नॉर्मली जो फूल गिर जाते हैं उस ड्यूरेशन में ही फूल गिर जाएंगे। तो इस बोरॉन का इस्तेमाल करिए, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इससे फूलों को बहुत दिनों तक टिके रहने में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स, दिसंबर महीने में केयर बस इतना ही। अगर आपकी प्लांट में फूल खिले हो तो मैं जिस टिप्स को मैंने बताया है उसको फॉलो करिए और देखिए आपकी प्लांट में कितने अच्छे फूल खिलते और वो कितने अच्छे से टिके रहते हैं आपकी प्लांट में। और मैं पिछले महीने के वीडियो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगा, और जो टोटल जो वीडियो है इस सीरीज का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, और आप इस चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।